जी हाँ, अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची में, जहाँ पर तालीमी इदारे खुलने के पहले ही दिन ये अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। निजी स्कूल में नवी जमात की तालिबा सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक हो गई है। नवी जमात की ये तालिबा है जिसका नाम अरीबा वल्द आसिफ बताया जाता है। उनके बारे में मज़ीद अपडेट्स लेते हैं कि किस तरह से ये वाकया पेश आया। नियाज अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नियाज, बताइएगा किस तरह से ये वाकया पेश आया। जी, तो 6 महीने बाद आज पहली दफ़ा जो है कोरोना के बाद स्कूल खुले, तो ये अफसोसनाक वाकया जो है आयशा मंजिल के करीब निजी स्कूल है हैप्पी पैलेस, वहाँ पर 9वीं क्लास की ये तालिबा थी जिनका नाम जो है अरबिया मालूम हुआ है कि वो सीढ़ियों से गिरकर जो है वो जख्मी हुई है। इन्हें फौरी तौर पर करीबी निजी अस्पताल ले जाया गया लेकिन इसके बाद जो है वो जान बचा नहीं सकी और वो फौत हो गई है। इस हवाले से जो स्कूल का ऑनर है, मालिक है मोहम्मद आसिफ, उनका ये कहना था कि बच्ची जिस सीढ़ी से गिरी वो 6 स्टेप थी, फौरी स्कूल में बच्चों की तादाद इंतहाई कम थी। पुलिस इस हवाले से मजीद जो है वो तहकीकात कर रही है और अब इसकी बॉडी जो है वो निजी अस्पताल मुंतकिल की जा